वेलकम टू जिल्फा मैथ। हमारे इस वीडियो में महाराष्ट्र सेट एग्जाम में पूछे जाने वाले लिप्शिस कंडीशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है, इफ एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन अ रेक्टेंगल आर सच डैट डो एफ अपॉन डो वाई एग्जिस्ट कंटिन्यूस ऑन आर एंड मॉड वैल्यू ऑफ डो एफ अपॉन डो वाई इज लेस देन इक्वल टू के, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर फॉर सम के ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड स्टेटमेंट है, एफ सेटिस्फाइज द लिप्शिस कंडीशन ऑन आर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लिप्शिस कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन है लिप्शिस कंडीशन की, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेट टू बी सेटिस्फाई लिप्शिस कंडीशन इन अ रीजन डी इन एक्स वाई प्लेन इफ देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट के सच डैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वन इज लेस देन इक्वल टू के मॉड ऑफ वाई टू माइनस वाई वन व्हेनेवर द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई वन एंड एक्स कॉमा वाई टू लाइ इन डी। द कॉन्स्टेंट के इज कॉल्ड अ लिप्शिस कॉन्स्टेंट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यानी यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है फॉर अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट के, देन वी से दैट दिस फंक्शन सेटिस्फाई अ लिप्शिस कंडीशन एंड दिस पॉजिटिव कॉन्स्टेंट के इज कॉल्ड लिप्शिस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं दोनों ही एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो चलिए थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम है, सपोज एस इज आइदर अ रेक्टेंगल, मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू ए, मॉड वाई माइनस वाई नॉट इज लेस देन इक्वल टू बी, ए कॉमा बी ग्रेटर देन जीरो, और अ स्ट्रिप मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू ए, मॉड वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन इन्फिनिटी फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, एंड लेट एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन एस सच डेट डो एफ अपॉन डो वाई एग्जिस्ट इज कंटिन्यूस ऑन एस, एंड मॉड वैल्यू ऑफ डो एफ अपॉन डो वाई इज लेस देन इक्वल टू के फॉर सम के ग्रेटर दैन जीरो, देन एफ सेटिस्फाई अ लिप्शिस कंडीशन ऑन एस विथ लिप्शिस कॉन्स्टेंट के। तो यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि यहाँ एस जो रीजन है वो रेक्टेंगल होगा या फिर स्ट्रिप भी हो सकता है, और एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है रीजन एस पर सच डैट डो एफ अपॉन डो वाई एग्जिस्ट होगा, साथ ही ये कंटिन्यूस भी होगा और साथ ही ये बॉन्डेड भी होगा। और यहाँ पर बॉन्डेड ये कंडीशन से पता चल रहा है कि डो एफ अपॉन डो वाई क्या है, बॉन्डेड है फॉर, और के की वैल्यू पॉजिटिव है फॉर सम के ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ प्रॉब्लम में देखिए स्टेटमेंट वन जो है यहाँ तक दी गई है और एस की जगह पर आर लिया गया है और रीजन आर रेक्टेंगल है और फंक्शन एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है। साथ ही स्टेटमेंट वन में क्या कहा गया है, डो एफ अपॉन डो वाई एग्जिस्ट हो रहा है, कंटिन्यूस भी है, और मॉड डो एफ अपॉन डो वाई इज लेस देन इक्वल टू के वेयर के इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट वन है ये इतना पार्ट है थ्योरम का। उसके बाद क्या कह रहा है, देन आया है यहाँ पर, देन एफ सेटिस्फाई अ लिप्शिस कंडीशन ऑन एस विथ लिप्शिस कॉन्स्टेंट के, और ये जो पार्ट है देन के बाद का वो स्टेटमेंट सेकंड दी गई है प्रॉब्लम में। तो यहाँ प्रॉब्लम में जो ऑप्शन ए दिया गया है दैट वन इम्प्लाइज टू, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही हम कहेंगे कि यहाँ पर एफ सेटिस्फाई लिप्शिस कंडीशंस ऑन एस विथ लिप्शिस कॉन्स्टेंट के, देयरफॉर फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड स्टेटमेंट, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सेटिस्फाइज लिप्शिस कंडीशन ऑन। ऑप्शन में हमें रीजन्स दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है कि फंक्शन कौन से रीजन पर लिप्शिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो अभी जो हमने थ्योरम देखा है उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, डो एफ अपॉन डो वाई फाइंड करेंगे, डो एफ अपॉन डो वाई इज इक्वल टू टू वाई मॉड डो एफ अपॉन डो वाई इज इक्वल टू मॉड टू वाई एंड इट इज इक्वल टू टू मॉड वाई। यहाँ पर डो एफ अपॉन डो वाई की वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, कॉन्स्टेंट भी है, और अब चेक करना है मॉड डो एफ अपॉन डो वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के होती है क्या। तो चलिए यही चेक करते हैं। तो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन पर मॉडुलस डो एफ अपॉन डो वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के आ रही है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए पर, देखिए मॉडुलस वैल्यू ऑफ वाई इज लेस देन इन्फिनिटी है। तो अगर हम यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू ऑफ डो एफ अपॉन डो वाई इज इक्वल टू टू मॉड वाई लें एंड इस दिस वैल्यू इज टेंस टू इन्फिनिटी एज वाई टेंस टू, और यू से दैट
मॉडुलस वैल्यू ऑफ y टेंड्स टू इन्फिनिटी. दैट मीन्स हियर डो f अपॉन डो y इज अनबाउंडेड. बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमें डो f अपॉन डो y की वैल्यू बाउंडेड चाहिए थी, तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पर भी मॉडुलस वैल्यू ऑफ y इज लेस देन इन्फिनिटी है, यानी बी और सी ऑप्शंस भी डिस्कार्ड हो जाएंगे सिंस डो f अपॉन डो y इन रीजन में अनबाउंडेड आ रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन डी चेक करते हैं. डी में जो रीजन दिया गया है उसमें मॉड y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू b है एंड b इज ग्रेटर देन 0 बताया गया है, तो हमें मॉडुलस वैल्यू डो f अपॉन डो y क्या मिलेगी, इट इज इक्वल टू 2 mod y is less than equal to 2b and we suppose that 2b is equal to k and k is greater than 0 because 2 is greater than 0 as well as here it is given that b is also greater than 0, therefore k is positive constant. Therefore by theorem we say that this function f is satisfy Lipschitz conditions on the region which is given on option D, therefore option D is correct. Next question है, let R be the region defined by R such that mod x is less than equal to a, mod y is less than equal to b, then the function f of x comma y is equal to x sin y plus y cos x satisfies the Lipschitz condition with Lipschitz constant k equal to, यानी यहाँ पर हमें Lipschitz constant k की value find out करनी है, तो चलिए find करें. फंक्शन f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू x साइन y प्लस y कॉस x दिया गया है ऑन द रीजन मॉड x लेस देन और इक्वल टू a एंड मॉड y इज लेस देन इक्वल टू b दिया गया है. डो f अपॉन डो y फाइंड करेंगे, इट इज इक्वल टू x कॉस y प्लस कॉस x. दिए हुए रीजन में डो f अपॉन डो y एग्जिस्ट हो रहा है, साथ ही डो f अपॉन डो y ये कंटिन्यूस है. मॉड डो f अपॉन डो y फाइंड कर लेंगे, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x cos y प्लस cos x इज इक्वल टू मॉड x cos y प्लस मॉड cos x लेस देन इक्वल टू आएगा यहाँ पर, इट इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x into mod cos y plus mod cos x is less than equal to mod x mod cos y mod cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नो दैट mod cos theta is less than equal to 1, तो यहाँ पर हम mod cos y की वैल्यू 1 लेंगे प्लस mod cos x is also 1 इस लेस देन इक्वल टू मॉड x की वैल्यू क्या है, इट इज लेस देन इक्वल टू a, तो यहाँ पर मॉड x को रिप्लेस करेंगे a से, दैट इज a इंटू 1 प्लस 1 एंड इस लेस देन इक्वल टू a प्लस 1, दैट इज मॉड डो f अपॉन डो y इज लेस देन इक्वल टू a प्लस 1 एंड इट इज नथिंग बट द Lipschitz कॉन्स्टेंट. तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी पर दिया गया है a प्लस 1, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है. वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.